हाय नना। हाय यार, आज पैदल जा रही हो? गाड़ी नहीं लाई क्या? हाँ यार, एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई थी ना, इसीलिए मुझे पैदल आना पड़ा। अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो मैं तुम्हें घर तक छोड़ूं। ओके आओ बैठो। ओह नो, यार कौन कॉल कर रहा है बार बार, है ना? प्लीज पॉकेट से फोन निकालना तो देखो किसका कॉल है। किसी पेलू का फोन आ रहा है। स्पीकर पे करो तो। बे अभी क्लास में है, बाद में बात करते हैं। अभी सर है। ठीक है। अबे डरते हो क्या? गाड़ मार देंगे तुम्हारे सर की। अच्छा बोलो क्या हुआ? अबे भोसड़ी के चलोगे गोवा? हम सब चलते हैं वहाँ, एक माल बुक किया जाएगा, रात भर मजा लिया जाएगा। अबे चुप रहो, अबे हम कहीं नहीं जाएंगे, फोन काटो। अबे भोसड़ी के पहले तुम ही यूज कर लेना। आखो बे फोन काटो काटो। अबे सुनो सुनो, अबे भोसड़ी के। भोसड़ी की उतर जाती हूँ लेकिन ये मुझे क्यों लेगा? गाड़ी रुको गाड़ी रुको गाड़ी रुको। क्या हो गया? मैं पैदल ही चली जाऊंगी। मैं छोड़ देता हूँ ना। नहीं मैं चली जाऊंगी। तुम्हारी वजह से माल छोड़ के चली गई हमारी। अबे भोसड़ी के बताओगे ना कि हम माल के साथ है? अच्छा छोड़ ये सब, अब चलना है गोवा। और हाँ, माल कौन बुक करेगा? Oh, no. भोसड़ी के बहुत बड़े छिनार हो तुम, पहले मना किया अब तैयार हो गए? बकवास मत करो, बताओ कब चलना है? कल चलना है। ठीक है। वे ड्राइवर को देखो बे। ओह नो, ये लगता है ड्राइवर से दोस्ती करनी पड़ेगी, बहुत बड़ा बड़ा है बे। ओह नो, गांव के पीछे पड़े रहते हो तो देखते नहीं किसका गांव है? अभी लड़का है वो। छोरी हो या छोरा, गाड़ तो गाड़ हो। भोसड़ी के तुम सुधरोगे नहीं कभी। भाई सामान रखा गया? हाँ रखा गया। अबे सब कोई आ गया बे, भोसड़ी के अभी तक रहुला नहीं आया। बोलो नाम लिया और शैतान हाजिर। यार इतना उदास क्यों? यार मैं बस से आ रहा था, घर से पड़े गिर के आंटी की साड़ी के नीचे चला गया। मैंने कहा आंटी जी ये सब तो साड़ी पर करेंगे, मुझे फोटो लेना, हत्ते में सब मिलकर मुझे मारने लगे। यार मैं मार कर गया और तुम लोग हंस रहे हो? भोसड़ी के तुम बात ही ऐसा बोल रहे कि हंसी आ गया। अच्छा चलो भोसड़ी के जल्दी करो। हो गया भाई, गाड़ी कहाँ रोक दिया बीच में? भाई गाड़ी खराब हो गया है, अब आपको यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। यार कैसे जाया जाएगा, यहाँ पे तो कुछ दिख भी नहीं रहा है, अगल बगल सिर्फ जंगली दिख रहा है। हाँ चलो आओ देखते हैं निकल के। पेशाब करके मैं आता हूँ। तुझे भी अभी इसी टाइम में पेशाब लगनी थी, क्या करके आ जाऊँ, जल्दी आना लगे। वो तेरी जंगल में लड़की यानी जंगल में मंगल, और जरा देखे कौन है ये हसीना जिसे देख के आ रहा है पसीना। तो तेरे
आशिक है हमसे क्यों शर्माती हो, बारिश कर दूं फिर क्यों भाई खाती हो। जाने मन थोड़ा शकल तो दिखाना। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई है, ना ही कोई गर्लफ्रेंड है। मुझे छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो मुझे। तुझे एक शर्त पे ही छोड़ सकता हूँ। कैसी शर्त है? मुझे तेरी वो चाहिए। क्या जो भी बोलोगे मैं वो करूँगा, बस प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। मुझे तेरी कान चाहिए। अरे भूत जी, अगर कान चाहिए तो लड़की का मारो ना, मेरा क्यों मार रहे हो? मैं लड़का हूँ। मुझे लड़कियाँ पसंद नहीं है, मुझे लड़के पसंद है, और तू लड़का है। चल। A few moments later. हेलो। हाँ भाई, कहाँ हुए? बस आ रहे भाई, जल्दी आओ। आ गए। बोलो आ गया। अबे कहाँ रह गए थे? अरे क्या हो गया, पीछे से खून निकल रहा है। वो पेशाब कर रहे थे, पैर फिसला, झाड़ी था पीछे, वही कांटा लग गया है। सब कांटा भी एकदम जगह देख के घुसा है बहुत। अरे यार छोड़ो यार, चलो। अबे अमन, एक घर दिखाई दे रहा है बे। हाँ बे, और चलो आगे चल के देखते हैं। चलो बे। भाई ये घर तो बहुत डरावना लग रहा है, इसमें भूत उत तो नहीं होगा ना? अबे भूत उत कुछ नहीं होता है, चलो आओ देखते हैं ना। कहाँ जा रहे हो? सामने रंडी खाना है, वहीं जा रहे हैं। चलो बे। यहाँ कोई रंडी खाना नहीं है। ओहरी के जब मालूम है कि यहाँ तो कोई रंडी खाना नहीं है, तब भी पूछ रहे हो कहाँ जा रहे हो? गजब चुतिया अप्पा है। यहाँ भूत है, यहाँ से चले जाओ। ओहरी के तुम्हें हम बच्चे दिख रहे हैं जो डरा रहे हो। आग जाओ यहाँ से ना, गाड़ मार देंगे तुम्हारी। छोड़िए भैया, ये पागल आदमी है। जाओ ओहरी के, तुम्हारा भूत ही अंदर गाड़ मारेगा। हवा से बंद हो गया होगा, और कैसे? भूत है।
अबे यार तुम लोग मुझे डराने लगे। अरे 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 भैया अरे अरे अबे तुम लोग सही कह रहे थे यार, यहाँ तो सचमुच का भूत है। हम तो बोल ही रहते ना यहाँ भूत है, तुम लोग मान ही नहीं रहते। हाँ यार सॉरी यार, मेरा गांड मारने वाला था। हम लोग का मारने वाला था ना, अभी का मार चुका है। क्या बे बताए नहीं? अब क्या बताएं, भूत ने गांड मारा है मेरा। ये सब छोड़ो भाई, ये पता करो इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। मेरे पर्चे में एक पंडित है, बहुत ज्ञानी है, बाबा कंडम। वो कंडम? मैं बाबा कंडम। अच्छा अच्छा, उसे पूछ के देखता हूँ। उठाइए ना, उठाइए ना। हाँ हेलो पंडित जी, हम अमन बोल रहे हैं। हाँ बोलो बेटा। पंडित जी हम एक घर में फंस गए हैं जिसमें भूत है, अब वो मारता नहीं है किसी को। तब तो वो भूत बहुत अच्छा है, तो दिक्कत क्या आ रही है? पंडित जी वो जान से नहीं मार रहा है, लेकिन सबकी गांड मार रहा है। ये तो कुछ अलग टाइप का भूत है। हाँ पंडित जी, अब आप ही कुछ उपाय बताइए। उस भूत को मारने का सिर्फ एक ही उपाय है। क्या पंडित जी? तुम लोगों में से कोई उल्टा पैदा हुआ है? पंडित जी पूछ के बताता हूँ, अभी तुम में से कोई उल्टा पैदा हुआ है? हाँ मैं। पंडित जी हाँ है एक जो उल्टा पैदा हुआ है। तुम लोगों में से जो भी व्यक्ति उल्टा पैदा हुआ है वो भूत को अपनी गांड देगा तो वो भूत उसी जगह मर जाएगा। कोई और उपाय नहीं है? नहीं, यही एक उपाय है। अच्छा पंडित जी, भोसड़ी के साथी से कोई वीडियो नहीं देखने देता। क्या कहा पंडित जी ने? बोले कि भूत को मारने का एक ही उपाय है। क्या? जो बंदा उल्टा पैदा हुआ है हम लोगों में से, वो अपना गांड देगा तो भूत मर जाएगा, और हम लोगों में से सिर्फ ये भाई साहब ही उल्टा पैदा हुआ है और कोई नहीं है। भाई दे दे यार, मुझे देना होता तो मैं 2 से 3 बार दे देता। वो सड़ी के गांड मांग रहा है, आधार कार्ड नहीं जो दे दे। तुम नहीं दोगे तो हम लोग घर नहीं जा पाएंगे। भाई तुम ही मुझसे बता सकते हो अगले। ठीक है मैं बाथरूम करके आ रहा हूँ।